अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से। मोहम्मद इस्लाम खान की इस रिपोर्ट से चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का सेक्रेटरी इत्तला ज़िला कोरंगी और चेयरमैन यूसी आर अहमद रज़ा के हमरा कोरंगी टाउन में नकासी आपकी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ यूसीस का दौरा। टीएमसी कोरंगी का हमला तमाम यूसीस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और तमाम टाउन काउंसिलर्स आमली खिदमत में मसरूफ़ हैं। इस मौके पर नासिर लोधी, पीपल्स यूथ पीएस 95 के सदर वकार लोधी, कामरान राजपूत और टीएमसी कोरंगी का अफसरान भी मौजूद थे। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह बरसात हो रही है, हमारे टीएमसी का हमला यहाँ मौजूद है, तमाम डायरेक्टर मौजूद है, मैं खुद चेयरमैन मौजूद हूँ, मेरा स्टाफ मौजूद है, हमारे चेयरमैन और यूसीस के मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह बरसात इस दफ़ा कोरंगी वालों के लिए जहमत नहीं रहमत बनेगी। हमारा पूरा अमला रोडों पर मौजूद है, जहाँ जहाँ चौकिन पॉइंट है वो अलहमदिल्ला क्लियर हो चुके हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला, टीएमसी कोरंगी का अमला मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रही है, पानी जहाँ देखती है वहाँ स्वीपर इनके पहुँच जाते हैं और वो स्वीपिंग के जरिए पानी को रिमूव कर देते हैं। तो ये बेहतरी हो रही है कोरंगी के अंदर, ये इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा कोरंगी के अंदर। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है आइंदा बरसात में जो कई कई इश्यूज रहे वो इंशाल्लाह उसको आइंदा ना होने दें। मैं समझता हूँ 90% तकरीबन इलाका भी क्लियर है। अब बरसात के ऊपर रहेगा, बरसात होगी फिर दोबारा हमारा अमला एक्टिव हो जाएगा। छुट्टियाँ आपने मंसूख कर दी है, टाउन के अंदर हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ पॉइंट पर हमारा अमला मौजूद है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी कोरंगी के अंदर।